गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। भारत एक पवित्र देश है, पुण्य क्षेत्र है, ये भगवान का धरती है। इधर भगवान स्वयं अनेक स्वरूप धारण करके भक्तों का हित के लिए, भक्तों का जो दिक्कत है, कष्ट है, वो दूर करने के लिए, रुकावट जो धार्मिक जीवन में जो रुकावट है, विघ्न आता है, उसको दूर करने के लिए अनेक स्वरूप धारण करके कभी कभी आते हैं। स्वयं भगवान का संचार इस धरती पर हुआ है, होगा भी। उसमें जो मत्स्यावतार है, कूर्मावतार है, ऐसे वामनावतार है, परशुराम जी का है, रामावतार है, कल्कि अवतार होने वाला है, ऐसे अनेक अवतार के बीच में एक अवतार है बुधवार शाम को, उसको हम स्मरण करके कृतज्ञता पूर्वक भक्ति भाव के साथ पूजा पाठ वगैरह करते हैं। ऐसे ये जो अवतार है नरसिंह अवतार, ठीक है। बहुत लोगों ने ये ब्रह्मा जी के पास जाकर के वर पूछा है, ब्रह्मा जी ने भी वर प्रदान दिया है। एक एक व्यक्ति एक एक प्रकार से मांगते हैं, मांग रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग भक्ति दीजिए ऐसे बोलते हैं, तत्व ज्ञान का प्रबोध हमको होना चाहिए ऐसे भी वर मांगते हैं। कामना तो अनेक प्रकार का होता है, रुचि नाम वैचित्र्यात् रुजु कुटिल नाना पथजुषाम। व्यक्ति का जीवन के अनुसार, उनका इच्छा के अनुसार, ऐश्वर्य दीजिए, राज्य दीजिए, जैसे अच्छा परिवार दीजिए, अच्छे विद्या प्रदान कीजिए, संपत्ति का प्रदान कीजिए, ऐसे अनेक प्रकार का ये कामना रखते हैं। भगवान कृपालु भगवान भी वो वर प्रदान वगैरह देते हैं। ऐसे एक किसी राक्षस ने तपस किया था, वो वर भी प्रदान हो गया, वर प्राप्त हो गया। मतलब इस संदर्भ में जो है, ये तो सामान्य विषय नहीं था, इतना शर्त रखा था, इतना उन्होंने ऐसे ऐसे बहुत बुद्धिमत्ता के साथ वर इस प्रकार का मांगा। क्या है, हमारा जो जीवन का जो नाश है, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, मनुष्य से भी नहीं होना है, जानवर से भी नहीं होना है, दिन में नहीं होना है, रात में नहीं होना है, आयुध से नहीं होना है, ऐसे ऐसे अनेक प्रकार का उन्होंने बहुत शरत या क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बहुत कठिन ऐसे वर प्राप्त किया था। और जो शक्ति जो होता है मनुष्यों का, उससे अच्छा काम भी करते हैं, दूसरों को कष्ट भी देते हैं, ऐसे कुछ होता है। जो शक्ति है वो अच्छा काम करने के लिए उपयोग करना चाहिए। उन्होंने जो वर प्राप्ति के कारण, वरदान के कारण क्या है, वो तो सशक्त होकर के मनुष्यों का जो शास्त्रों के प्रति, अपने रीति रिवाज के प्रति, अपने कर्मानुष्ठान के प्रति, अपने जो मानव स्वभाव के प्रति
जो आदर होना चाहिए उससे विमुख होकर जो सदाचार संपन्नता जो मनुष्यों का चाहिए उससे उनको निंदा करके उन्हें आत्मस्तुति के ऊपर, मतलब हम ही भगवान हैं, हमको आराधना कीजिए, हमको पूजा कीजिए, हमको हमको ही अच्छा मानिए, वैसे ऐसे करके किया है। शास्त्रों को प्रचार प्रसार करने में बहुत ही दिक्कत उन्होंने किया। उस संदर्भ में उनका जो पुत्र है वो तो जिस घर में अपने शास्त्र परंपरा के विरोध जो भाव इन्होंने जो राक्षस ने किया है, ऐसे घर में नारद मुनि के अनुकंपा से, उनका प्रयत्न से जो उनका जो पुत्र है प्रह्लाद है वो भक्तिमान ईश्वर भक्ति के साथ अच्छा अच्छा काम करना शुरू किया। जो गर्भ में जब थे वो प्रह्लाद जी, तब उन्होंने अच्छा उपदेश वगैरह नारद मुनि ने किया है। मतलब जो सद्विद्या है वो बचपन से ही तैयारी करना पड़ता है। ऐसे तैयारी किया, अच्छा पैदा हुए प्रह्लाद, ईश्वर भक्ति सदाचार और संतों का पूजन ये सब करना शुरू किया। वो पसंद नहीं था उनका पिताजी को, पूछा क्या है जो भगवान भगवान ऐसे बोलते हैं, वो कहा है वो सर्वत्र व्यापक है तो इस स्तंभ पर होंगे क्या, ऐसे पूछा तो प्रह्लाद जी ने बताया क्या है, हमेशा है सब जगह है ऐसे। तब भगवान ने निर्णय करके जो प्रह्लाद जी ने जो बताया भगवान सर्वव्यापक है ऐसे सर्वांतरयामी है उसको सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिंच भूतेषु अखिलेषु च आत्मताम अदृश्यत अत्यद्भुत रूपमुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। जो शरीर का ग्रहण किया है, दिव्य मूर्ति का ग्रहण किया है, धारण किया है, वो मनुष्य का शरीर नहीं है या जानवर का भी शरीर नहीं है, ऐसे विचित्र विशिष्ट स्वरूप का धारण करके नरसिंह अवतार के रूप में सर्वव्यापक है भगवान, हमेशा के लिए भगवान है। इस सत्य को प्रकट करने के लिए इस अवतार हुआ है। ये नरसिंह स्वामी का जो स्तोत्र है शंकरा भगवत पादाचार्य जी ने किया है, पंचरत्न स्तोत्र और करावलंबन स्तोत्र, ऐसे दो स्तोत्रों का भगवत पादाचार्य शंकराचार्य जी ने रचना किया है। ऐसे भागवत का सार माना जाता है। एक केरल में नारायणीयम करके एक स्तोत्र ग्रंथ है, 1000 श्लोक में दशकम दशकम, 10 श्लोक 10 श्लोक, ऐसे पूरा भागवत का एक सारांश स्तोत्र है। जो इसका पाठ आरोग्य प्राप्ति के लिए करते हैं, गुरुवायूरपण का ये स्तोत्र है, उसमें भी नरसिंह अवतार का उल्लेख भट्टद्री जी ने किया है, जो इन्होंने नारायणीयम को रचना किया है। अनेक दिव्य तीर्थ है, दिव्य क्षेत्र है नरसिंह स्वामी का,
स्वयं व्यक्त क्षेत्र और भक्त लोगों ने जो निर्माण किया ऐसे भी क्षेत्र है, स्वयं जहाँ प्रकट हुए वहाँ ऐसे पुण्य तीर्थ भी है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ऐसे भारत देश में बहुत मंदिर है, मध्य प्रदेश में भी नरसिंहपुर करके एक दिव्य तीर्थ स्थान है। भक्त लोग इस बुधवार को शाम को नरसिंह स्वामी का वो संध्या समय पर पूजा अर्चना स्तुति करके विष्णु सहस्र नाम इत्यादि स्तोत्रों का पाठ करके इस संकट अवसर से संकट समय से बाहर विमुक्ति के लिए मतलब अपने देश में स्वास्थ्य भी होना चाहिए, आर्थिक विकास भी होना चाहिए, प्रजा के बीच में परस्पर मैत्री और सरकार और जनता के बीच में अच्छा समन्वय और से विचार विमर्श हो करके जल्दी ही अच्छा पर्यावरण देश में होना, लौकिक और पारमार्थिक उन्नति के लिए सर्वव्यापक नरसिंह अवतार जो होता है उस संध्या समय पर भगवान को विश्वास के साथ, विनम्रता के साथ, विवेक के साथ, आध्यात्मिक श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करके भगवान का अनुग्रह से ऐहिक और आमुष्मिक श्रेय प्राप्ति के लिए प्रार्थना भी करना, मेहनत प्रयत्न भी करना। हर हर शंकर, जय जय शंकर।